मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं दोबारा आपके साथ लोग शेयर करने के लिए। आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे का राम राम साहेंगन है। हम यहाँ पे आए थे लड्डू लेने के लिए, पर लड्डू खत्म हो गए। लेकिन हमारी चालाकी देखिए दोस्तों, हमारी जान पहचान के द्वारा हमें एक लड्डू मिल चुका है। प्रिंसिपल सर के रूम में पड़ा था एक, हम जाके लेकर आ गए थे बिना पूछे दोस्तों। बड़ी आप सोचिए, बिना पूछे किसी को पता चले हम लड्डू कैसे लेके आए होंगे, ये अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको, अभी नहीं। तो दोस्तों चलिए हम आपको कॉलेज का टूर कराते हैं। अरे कॉलेज टूर तो होगा नहीं, दोबारा कराते हैं। दोबारा कॉलेज का टूर कराया जाए। अरे भैया कौन भाई, ओ भाई ये देखिए हमारे साथ में कोई मित्र भी है हमारे, हम जिनको जानते नहीं है। भैया खड़े हो, उबो। हाँ क्या नाम है आपका? रोहित मीणा साहब। हाँ रोहित, कौन से ईयर के हो आप? फर्स्ट ईयर है इसी ब्रांच, फर्स्ट ईयर। अच्छा इसी ब्रांच, क्या करते हो आप? हम रील्स देखते हैं इंस्टा पे। अरे देश का युवा रिपब्लिक डे में लड्डू लेने आया था, लड्डू नहीं मिलने पर रील्स देखने लग गए हैं। आपका क्या नाम भैया खड़े हो? शशिकांत शर्मा। आप कौन से ईयर में हो? मैं भी फर्स्ट ईयर आईटी में हूँ। अच्छा क्या करते हो आप? आप भी रील चलाते हो? रील देखते हैं। अरे वाह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो में आए। दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा हमारे देश का भविष्य कैसा है। हमारे देश के ब्राह्मण भी यहाँ पे लड्डू लेने के लिए आ रहे, तो हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो लाडू लेना रही काम है ब्राह्मण रो। ब्राह्मण ने खड़ा है जने ही पसे देश आगे बढ़ी, नहीं तो आगे कटू बढ़ी। याद आएगा मेरे देश ब्राह्मणों के बिना अधूरा है। हम नहीं होंगे तो फिर लड्डू किसको दोगे? ये एकदम गलत बात है। सॉरी गाइस, हाँ, बोल गया। हाँ, ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? अरे भाई, और सामने परेड हो रही है, चार जने परेड कर रहे हैं और हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहराया जा चुका है। बहुत ही हर्ष उल्लास का समय है। और कल ब्लड डोनेशन कैंप था मेरे भाइयों, ब्लड डोनेट करने गए थे क्योंकि हमें पता चला वहां पे नाश्ता करवाते हैं। तो हमारे कॉलेज के अंदर कई कैबिन है ब्लड डोनेशन कैंप की कल किया गया था। उसके अंदर हम भी खून देकर आए क्योंकि हमारा टिफिन, मैं आपको बताता हूँ हमने खून क्यों दिया। हमारा टिफिन आता है कितने बजे? आता है 2 बजे। मानो टिफिन आओ ठीक है, हम टिफिन तो आता है 2 बजे, लेकिन ब्लड डोनेशन था 12 बजे। भूख लगी थी, उन्होंने बोला भाई नाश्ता करवाया जाएगा आपको। तो हमने क्या किया, बेशर्मी की हद देखो, एक एक समोसा एक एक गुलाब जामुन दिया गया था, वही लेट गए कि हमें चक्कर आ रहे और नाटक करके दो दो लेके आ गए। मुझे अभी भी चक्कर आ रहे, कोई लाडू खिलावे तो मेरा चक्कर मिट जाए। और हमने उधर देखा कि कुछ लोग चक्कर खा के नीचे गिर रहे हैं, हालत खराब हो गई थी उनकी, पर हम एज इट इज डटे खड़े रहे। हमें गुलाब जामुन प्रेरणा दे रहा था, इसीलिए हम बिल्कुल किसी से नहीं डरे। दोस्तों हम कितने बेशरम है, सामने वाले एनसीसी कोर वाले सालों के सामने बोल रहे हैं कि हमें लड्डू चाहिए, फिर भी नहीं दे रहे हैं। परंतु एक मेरे बहुत जान पहचान का मित्र था, करोड़ों साल पहले मिला था मुझे, उसने हमें कई के मोतीचूर का लड्डू दिया था, हमको सबसे बेस्ट लड्डू था दुनिया का। परंतु ये भी विशाल, ये विकास ने खा लिया, मेरे पाती नहीं आया। हमें समोका नहीं छोड़ दे। हाँ ये देखिए, ये हमारे फोटो शूट चल रहा है एनसीसी वाले भाइयों का। ये देखो और देखो और देखो कट गयो और यू और भाई अरे वाह वाह वाह, देख लो हम आपको मिलाते हैं हमारे एनसीसी के हेड से। एक मिनट रुकने, फोटो खिंचा रहे भैया, उसके बाद में मिलाता हूँ आपको। भाई भाई लोगे फोटो? नमस्ते भैया, आप हमारे ब्लॉग में? हेलो भाई, हमें भी दिखा दे। अरे हेलो, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर अंशुमान सिंह, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मेरा कैडेट महावीर सिंह, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन।
अभी मैं आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने हमें लड्डू प्रदान किया। कोई भी लड्डू नहीं दे रहा था हमको, फिर भी भैया, अरे सुनो भैया, अरे भैया, हाँ हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको आज कैसा लग रहा है? निकाल के तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो सलामी देकर, अरे वाह वाह, ये है फर्स्ट ईयर के सीएस के प्रशांत। हमें कोई भी लड्डू नहीं दे रहा था उस टाइम में, प्रशांत भैया आके हमें लड्डू दे के गए थे। और ये भैया, और भैया जयंत, जयंत इसका नाम है, तेजपाल लामरोड। ये वीडियो बनेगी तुम्हारा। अच्छा, लड्डू देते ही भैया का नाम चेंज हो चुका है। और बलम कहीं क्यों? ये देखिए दोस्तों, हमारे मित्र लोग सारे एंजॉय करते हुए आज रिपब्लिक डे को, ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस कॉलेज की एकमात्र लाइब्रेरी जिसे ज्ञान सरस्वती केंद्र पुस्तकालय कहा जाता है, हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, इतनी बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ने आए हैं। बच्चे हैं, अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देखो ओ देखो, ए ओ भाई, ओ कभी कॉलेज नहीं आया, आज ही आयो लड्डू लेने, आज ही आया हूं फर्स्ट बार कॉलेज। ठीक है, ओ देखो भाई, देखो पार्टी को रिया, ये देखो, ये बोकट क्यों आ रही हो? लाइब्रेरी बंद है फिर भी ये गया है अखबार चुराने के लिए। इसका नाम आज से अखबार चोर है भाई साहब। लग रहे बेटा ऊपर कैमरा लगा हुआ है, दो दो जगह, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, ऊपर ध्यान रखिए पहली। ये देखिए, ये हमारे लाइब्रेरी आज बंद है किसी कारण से, उसको तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं। अंदर से ये बहुत बढ़िया है लाइब्रेरी, और दोस्तों आपने ऐसी लाइब्रेरी अपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। हाँ, बहुत ही शानदार लाइब्रेरी हमारी कॉलेज की, गए नहीं है कभी पर बता सकते हैं। दोस्तों ये है सिविल बिल्डिंग, सिविल बिल्डिंग के उस साइड में जहाँ हमने कल रक्तदान किया था। कल की एक स्टोरी बताता हूँ जी। कल क्या हुआ कि भाई हमको रक्तदान देने को कहा गया। हम क्या है ना, सुबह सुबह रजाई में सो रहे थे, पर मैं भूखा था, मुझे लगा कि रक्त देने से अगर नाश्ता मिलेगा तो क्यों नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर आ गए, हमने खून भी दे दिया, परंतु उन्होंने समोसा एक ही दिया। ये बात हमें पसंद नहीं आई, हमने धरना दे दिया, हमने कहा सबको नहीं, हमको दो दो समोसे, गुलाब जामुन केवल एक दिया। दोस्तों इस वजह से मुझे चक्कर आए थे, और मैं एक और गुलाब जामुन खाने के बाद तुरंत खड़ा हो गया। अब इसकी बेशर्मी देखो, चक्कर आने का नाट्य करके वहीं पे गिर गया। अब तो गुलाब जामुन दोगे तभी तो उठूंगा, इसके अलावा तो चक्कर का इलाज हो ही नहीं सकता। दोस्तों 4-5 गुलाब जामुन घुसने के बाद ऐसा खड़ा हुआ, केवल दो, अरे केवल दो, तो देखो केवल दो खाए थे मेरे प्यारे मित्रों। गाइज पब्लिसिटी के डर से आप झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई तो आपको पता ही है क्या है। आप लोगों को सच्चाई पता है कि दुनिया का सबसे मस्त आदमी मैं ही हूँ। मस्त आदमी और क्यूट हैंडसम का टैग मेरे को जाता है। हाँ, सूर्यकांत नाम के आदमी को, विकास नाम के आदमी को, सूर्यकांत तो तू है, विकास तो सबसे हैंडसम है, सबसे क्यूट तो भाई सूर्यकांत ही है। अबे जा रे। हाँ, ये देखिए ये हरियाली कट गई, आ रही इतनी की जी के आओ, अपनी कॉलेज में हरियाली है, अपन हरियाली कट है यार। ठीक है, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट भी हम ही है, हरियाली भी हम ही है। देखो लार पे दो जन आ रहा ना, एक ही काम रात में नहीं है हमार, बताऊ मैं, ये तो साफ सी टाइप के लोग। हाँ, अगर कॉलेज में काम पड़े तो कदी नहीं कहना, एक कदी कोई काम नहीं करेला। ठीक है दोस्तों, हमें कहिए हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। परंतु हम मुंह पे मना नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे यार अभी कुछ काम है, पैसे नहीं है भाई, यूं 2 साल हो गए घर वालों ने पैसे नहीं भेजे, या हम ये बोल देंगे, परंतु मुंह पे मना नहीं करेंगे, आपकी मजबूरी का बिल्कुल फायदा उठाएंगे, बिल्कुल।